इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरवम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम रीम जीम श्रीम श्रीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि नमुरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। बंधुओं, आप देख रहे हैं शास्त्र समिति घर की तलहटी में से गायतन परिषद से नेत्रपति अभिषेक एवं शांति आरा। आप भी अपने जन्म के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसर पर शांति आरा के साथ ही सब पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आज उन्होंने मासिक शांति आरा के रूप में जुड़कर शांति आरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा जी, संजय, रंजू, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक कुमार बरकिशनगढ़, ललितपुर से श्री महेंद्र कुमार जी, हितेन जी, नितेन जी, रितेन जी, प्रमेन जन बरघरिया परिवार, और जिन्होंने विशेष रूप से शांति आरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मुगामवाली से श्रीमती ताराबाई जी सिंघाई जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, तापी गुजरात से श्री प्रसाद सुकांति लाल जी, श्रीमती पल्लवी प्रसाद जैन जी के 24वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती उषा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जयपुर से श्रीमती सुशीला जी, चांदमल जी जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, बारा से श्री रविंद्र कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, खुरई से श्री अतुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से श्रीमती मंजू जी, धर्मपत्नी पवन कुमार जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, भजन के साथ की मंगल भवन हवाई गई है, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती मीता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से श्री देवश्री जैन शाह परिवार, और जिन्होंने नित्य शांति में जुड़कर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, रतनाम से श्रीमोदी संरक्षक बलवा जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचन अंतरगवल शाह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूलाल सतवैया के लिए श्रीमती मियाजी, असीम श्रीमती रिम्पी, अपूर श्रीमती एस सी देवे सतवैया, अध्ययन सतवैया शाह परिवार, कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, पेंचन जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियन, तक्ष, अक्षत, अरतंका समस्त प्रेमी परिवार, जबलपुर वापसी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती विजयंका, रूपेदकांत, मेदांश, पीवी संजय लेमेटावाला परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षा आरपी जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी शाह परिवार, विदिशा संस्थापक से गलोय, चंद्रशेखर जी, इंता प्रिया, दिव्या दग जैन शाह परिवार, रांची संस्थापक से चिंतकला जी, नीरज जी, लियांसा, जैक जी, पाटनी शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमी संरक्षा, दिनेश जी, भावना, अनिल जी, रागासा जी, बिलगी शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमी संरक्षा, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, मीता, वक्षिता, विनी, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, पार्टी कोलकाता से कवरीलाल सेठी, सुमीर वाल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव सेठी, श्रीमती इंद्रदेव छावड़ा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत, या सोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विदिति का विवान, ऋतुदेवस, सुधीर, ऋषि, हार्दिक, चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, अलवर से सुमी संरक्षा, चार जयंती जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, इनादी, अभिरिया, ज्यांजू, मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, इंदौर जयपुर से सुमी संरक्षा, श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला, विजय जी, ममता जी, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रयांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, अशांत, दत्ती, वजनी, पाटौदी, काशी रिवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमी संरक्षा, चिंतामणि, सवाई लजन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमी संरक्षा, श्रीमती चंदा देवी, दंपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की शाह परिवार, कटनी से श्रोमी संरक्षा, सिटोत्तम जी, प्रभात जी, अनुराग, स्मृति जोही, अनु, स्मृति विभाग, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अभा, अनिष्का, अरोयोग, क्या प्रांजल, रनक, अरहन, अनुष्का जैन समस्त कोयला वाला परिवार, यूएसए शिक्षा से श्रोमी संरक्षा, श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदनी, जैन शाह परिवार, गुजरात गुजरात से श्रोमी संरक्षा, भूपेन भाई, सोबना बेन, अतुल, सीता, निहाल, मदन, लाधानी समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमी संरक्षा, रमीत जी, अनिल जी, किरण, जयशिव, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराब की शाह परिवार, उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाशचंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, स्मृति, पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावल, देशना, पुत्र अनिमेश, कविजन, अखावत परिवार, और जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री कपूर चंद जैन कोटा से, श्री चंद कुमार जैन जबलपुर से, श्री नवनीत जी जैन गुणायतन से, शाह परिवार, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और ऐसी मंगल भावना के साथ शांति आरा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिदेभ्या श्री वीत्रागाय नमः। ओम रीम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे शवशाहुणम चतारी मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाह मंगलम केवली पड़तो धम्म मंगलम चतारी लुगुत्मा रिंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा शाह लुगुत्मा केवली पड़तो धम्म लुगुत्मा कतारी शरण भवजामि अंत्य शरण भवजामि सिद्धि शरण भवजामि साहु शरण भवजामि केवली पणत्तम धम्म शरण भवजामि। ओम रीम अनादि मूलमंत्रिभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो भगवते प्रक्षिणासी स्तोत्रम सायति
दिव्य तुजो मूर्तमय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व छत्र उपद्रव नाशनाय सर्व शावणान विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं भ्रों भ्रम रा अस्सि आयुषा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ब्रूम चुपकेटिंग वीटिंग घाते घाते परे विज्ञान स्फुट स्फुट सहस्खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्न परमुद्रान भिन्न भिन्न छाम छा वाह वाह हूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अश्याहुस अनाहत विद्याय डमोरिहंतारम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आ ह्रीं श्री ह्रीं आहुरुम ओहुरुम सहरा जगता विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय सूक्तरुषत प्रातिमताय सूक्तरुषत प्रातिहारी शुभन प्रदोताय हमलर विजय स्त्रबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पेशिषत प्रातिमताय सूर्यपुष्पेशिषत प्रातिहारी शुभन प्रदोताय बमलुरम बीजाय स्त्रबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय दिव्यध्वनिषत प्रातिमताय दिव्यध्वनिषत प्रातिहारी शुभन प्रदोताय बमलुरम बीजाय स्त्रबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय चामृतुलनिषत प्रातिमताय चामृतुलनिषत प्रातिहारी शुभन प्रदोताय रमलम बीजाय स्त्रबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिमताय सिंहासन सत प्रातिहारी शोभन भोदाय गमलम बीजाय स्त्रबुद्ध शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिमताय भामंडल सत प्रातिहारी शोभन भोदाय जमलुरम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय द्वंद्वभिषत प्रातिरमणताय द्वंद्वभिषत प्रातिहारी शोभन प्रदोताय समलुरम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय छत्रत्रशत प्रातिरमणताय छत्रत्रशत प्रातिहारी शोभन प्रदोताय समलुरम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ऋषि शांतिनाथाय छत्रत्रशत प्रातिरमणताय छत्रत्रशत प्रातिहारी शोभन प्रदोताय कमलम विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं अरम नमो बोह्य भूतानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरम नमो उजुमतीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरम नमो विवलमतीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अरम नमो दशपुष्पीनां सर्व शांतिर्भवतु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव। आज का दिन अनेक प्राणियों के करण क्रंदन के चित्कार से भरा दिन है। यद्यपि ये सब भी सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से है, लेकिन ऐसी घड़ी में हर अहिंसा प्रेमी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत तो होता ही है और होना ही चाहिए। आज मैंने सोचा तो कुछ और विषय पर था, पर यहाँ आने के बाद गुरुदेव की का एक दूसरा हाइकू मेरे स्मरण में आ रहा है, इसलिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसको स्किप कर ले। हाँ, और एक हाइकू है, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। बहुत ही गहरी बात गुरुदेव ने इस छोटे से हाइकू में प्रकट की है। हर व्यक्ति वैयक्तिक स्तर पर जीवन जीता है
अपने हितों के प्रति गंभीर और सचेष्ट रहता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने साथ औरों के हितों का ख्याल रहता है और उसके लिए वे कुछ सोचते हैं। ज़्यादातर दुनिया अपना ही रोना रोती है, वो अपने दुख में दुखी और अपने सुख में सुखी होती है। पर एक धर्मी व्यक्ति की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने दुख में दुखी नहीं होता, औरों के दुख से दुखी होता है। अपने मन को पूछो, विश्व में होने वाले इस हिंसा के हाहाकार से तुम्हारे मन में कभी कोई करुण पुकार प्रकट होती है? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में ये सब तो हो रहा है। निश्चित मेरे द्वारा कुछ गलत न हो, ये तो मेरा धर्म है ही। पर और लोग भी अहिंसा के मार्ग में लगे, ये भाव भी मेरा धर्म है। मुझे दया और करुणा के भाव से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दया को, करुणा को धर्म का मूल निरूपित किया गया है और इसके अभाव में हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। सवाल है, किसी का हृदय दया से ओतप्रोत होता है और किसी का हृदय पूरी तरह से दया शून्य होता है। जिनके हृदय में करुणा है उसकी वजह क्या, और जिनके मन में क्रूरता है उसकी वजह क्या? इसके पीछे की जो मूल भावना है वह हमारे भीतर की संवेदना। जिस मनुष्य की संवेदना जितनी गहरी होती है, उसके मन की करुणा भी उतनी ही प्रगाढ़ होती है। और जिसकी संवेदना जितनी मोथली होती है, उसका जीवन उतना ही क्रूर बनता है। अपने अंदर झांक कर देखो, जिनके प्रति हमें जुड़ाव होता है उन्हें अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मन दुखी होता है। अपने बेटे को अगर एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो हृदय रोता है, और अन्य प्राणियों के गर्दन पर छुरी भी चल जाए तो कुछ नहीं होता। वजह साफ है, बेटे के साथ अपनत्व जुड़ा है और व्यक्ति की संवेदना जुड़ी है। इसके परिणाम स्वरूप बेटे के साथ घटित होने वाली घटना व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, लेकिन जिस मूक प्राणी को वो हलाल कर रहा है उसके साथ उसकी कोई संवेदना नहीं, तो उसके साथ क्रूरता है। हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी रूप में संवेदना होती है। मनुष्य क्या, हर प्राणी के अंदर कुछ न कुछ संवेदना होती है। वो संवेदना जितनी व्यापक होती है उसका चेतन स्तर उतना ऊंचा होता है, या यूं कहें जिसका चेतन स्तर जितना उच्च होता है उसकी संवेदना भी उतनी ही व्यापक होती है। अब ये दायरे पर निर्भर करता है। एक कसाई अपने जिन क्रूर हाथों से मूक पशुओं का कत्ल करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को खिलाता भी है, लेकिन बच्चा उसके जी का लाल है और मूक पशु उसका कच्चा माल है। सोच का कितना बड़ा अंतर है। वो मूक प्राणी को एक प्राणी की भांति देखने की जगह
उसको व्यवसायिक दृष्टि से देखता है और उसका वो मूल्यांकन करता है, लेकिन वैसा मूल्यांकन वो अपने पुत्र के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र के प्रति उसके हृदय में गहरी संवेदना है। एक बिल्ली अपने जिस मुख से चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी उठाकर रखती है, लेकिन अंतर क्या है? चूहा उसका शिकार है, अब बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा। दोनों में अंतर, एक के साथ संवेदना, एक के साथ संवेदना का अभाव। जिसके साथ संवेदना जुड़ती है उसके प्रति मनुष्य करुणाशील बन जाता है, अहिंसक बन जाता है। आज आवश्यकता और अपेक्षा है संवेदनाओं के व्यापकता की। वर्तमान दौर में यदि सबसे अधिक कमी हुई है तो मनुष्य की संवेदना की हुई है। ये दिनों दिन छीन हो रही है और इसकी वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति बड़ी क्रूर होते जा रही है। संत कहते हैं क्रूरता से करुणा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। आज चार बातें आप सबसे करूंगा। वेदना, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। वेदना क्या है? जीवन में किसी कष्ट के आने पर आंसू बहाना वेदना है। मन में कोई पीड़ा आई, कष्ट की अनुभूति हुई है, ये वेदना है। स्वयं के कष्टों पर आंसू बहाना वेदना है और औरों के कष्टों में आंसू बह जाना संवेदना है। अपने मन से पूछो, वेदना तो हर प्राणी के भीतर दिखती है, संवेदना कितनी? संत कहते हैं वेदना एक दुर्बलता है और संवेदना एक गुण। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए उसे सहो, कहो मत। जितना सहन करोगे तुम्हारी चेतना उतनी परिपक्व बनेगी। तो तुम्हारे जीवन में जितना भी कष्ट आए उसे सहज भाव से सहो, स्वयं के कष्टों पर सहनशील बनो। वेदना में जीना अच्छी बात नहीं है। न खुद वेदना महसूस करो, न किसी के लिए वेदना उत्पन्न करो। वेदना जगना दुखी होना है और वेदना देना दुखी करना है। दुखी होना और दुखी करना दोनों अच्छी बात नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है खुद सुखी रहो, औरों को सुखी बनाओ। न तुम स्वयं दुखी हो, न किसी को दुखी होने में निमित्त बनो। जीवन में यदि कुछ अनिष्ट घट भी जाए, अघट भी घट जाए, तो उसे कर्म का उदय मानकर यथा संभव सहन करो। आंसू आंखों में मत आने दो। महान पुरुष वही होते हैं
जो बड़े से बड़े कष्टों को भी सहजता से झेल लेते हैं। वेदना में आंसू बहना का पुरुष का लक्षण है। मन में वेदना ना हो, चाहे जैसी बात घट जाए, हम अपने अंदर वेदना को प्रकट नहीं होने देंगे और न ही अपने निमित्त से किसी को किसी प्रकार की वेदना का अनुभव करने देंगे। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और संवेदना पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना, क्यों मानना? क्योंकि संसार के हर प्राणी मेरे ही समान है। हमारी अहिंसा का आधार आत्म साम्य की भावना है। जैसा मेरा वजूद है वैसे ही संसार के इतर प्राणियों का वजूद है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही संसार के अन्य प्राणियों की आत्मा है। जैसे मैं खुद सुख चाहता हूँ, संसार के अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं। जैसे मुझे दुख अप्रिय है, संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। इसलिए मेरा धर्म है जियो और जीने दो। आया तुला पयाशु, संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखो। आत्मसत्ता की दृष्टि से संसार के अन्य प्राणियों में और मुझमें कोई अंतर नहीं है। जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना अन्य प्राणियों के भीतर है। जैसे प्राण मुझ में वैसे ही प्राण उनमें है। जब मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता तो प्राण लेने का भी मेरा कोई हक नहीं है। और अन्य प्राणियों को मैं जब देखता हूँ तो उनमें मुझे मेरे ही रूप दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही अतीत के चोले हैं। मैंने अतीत के अनंत जन्मों में न जाने किस किस जन्म में कौन कौन सी पर्याय को नहीं धारा और नहीं छोड़ा। ये सब मेरे ही समान है। ये भाव जब मनुष्य के मन में जग जाता है तो फिर उसके जीवन में हिंसा कभी हो ही नहीं सकती। ये संवेदना है। हमारी संवेदना व्यापक बननी चाहिए। यद्यपि आप सब अहिंसा के प्रति आस्थावान हैं, इतनी संवेदना तो है ही कि व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार के हिंसा का कृत्य नहीं करते। लेकिन अपने मन से पूछो, जगत में होने वाली हिंसा कम हो इसके प्रति तुम्हारे भाव और विचार आते हैं? अरे हम क्या करें, जो हो रहा है सो होने दो, जो हो रहा है सो होने दो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जाके तुम लोगों से लड़ो, पर ये भाव तो बहा सकते हो कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सारे जगत का हिंसा, सारे जगत की हिंसा समाप्त हो, सारा जग हिंसा से मुक्त हो, सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य स्थापित हो, ऐसी सोच तो हम अपने अंदर जगा सकते हैं ना। तो जगनी चाहिए संवेदना। जब जगेगी तो बिना आगे बढ़े नहीं रह सकते। तो मैं कह रहा था, स्वयं के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो,
स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। अभी आप अपने कष्टों के प्रति तो बहुत गंभीर हो, औरों के प्रति, और अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे लोगों के हृदय का करुणा भाव कम होता जा रहा है, करुणा भाव कम होता जा रहा है, क्रूरता स्थान लेते जा रही है। माना कि आप अपने खान पान को शाकाहार तक सीमित किए हो, लेकिन अपने अन्यान्य प्रवृत्तियों में झांक कर देखो कहां कहां क्रूरता पनप रही है। अपनों के साथ ही तुम्हारा क्या व्यवहार, थोड़ी सी कोई बात होती है तो मरने मारने पर लोग उतारू होने लगे हैं। हिंसक झड़प और रक्तपात आम होने लगी है। ये किस बात का परिचायक है? एक ही बात दिखती है कि मनुष्य का हृदय दिनों दिन संवेदनहीन होने लगा है, अंदर कठोरता रही है। कुरल काव्य में लिखा है, जिस मनुष्य का हृदय जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं है, उसके चित्त में धर्म का अंकुर नहीं फूटता। गुरुदेव कहते, पर की पीड़ा से अपनी करुणा की प्रतीक्षा परीक्षा होती। आप बड़े करुणाशील व्यक्ति हो, दयावान व्यक्ति हो, घर से मंदिर आ रहे हो, रास्ते में एक प्राणी तड़पता हुआ विलखता हुआ दिख रहा है, आप क्या करते हो? उसकी सेवा परिचर्या करते हो या उसे उसके हाल पर छोड़कर भगवान का पूजन करने जाते हो? बोलो क्या है? तड़प रहा है तो तड़पने दो। हम तो पूजा करने जा रहे हैं, 16 के कपड़े पहने हैं ना, कहां हमारी संवेदना? हमारा धर्म कहता है, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, शय यानी वस्तु, व्यक्ति, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। ये भाव होना चाहिए, अंदर से ऐसी हिरोर जगनी चाहिए जिसके हृदय में ऐसी संवेदना जागृत हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन पूरी तरह से अहिंसक है। वो उनके अंदर की संवेदना का एक उदाहरण है। भगवान महावीर के जीवन काल का एक प्रसंग है, दो प्रसंग बताता हूं, एक भगवान महावीर के जीवन का और एक उनके जीवन काल का। शुरुआत करता हूं भगवान महावीर के जीवन से। भगवान महावीर जब बाल्य अवस्था में थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला उद्यान में मूल पथ को छोड़कर दूब पर चलने लगी और सामने स्थित एक कीड़ा पर्वत के निकट पहुंच गई।
बालक वर्धमान अपने स्थान पर ही खड़े रह गए और ठिठकते हुए अपनी माँ को देखने लगे। तृष्णा ने वहीं से पुकार लगाई, बेटा देख ये कितना सुंदर कीड़ा पर्वत है और देख तो वो फुब्बारे। वर्धमान चुप मौन, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। तृष्णा ने बोला तू आओ तो। जब वर्धमान नहीं आया तो तृष्णा सीधे वर्धमान के पास आई, प्यार से उसके बाल और गाल को सहलाने लगी। लेकिन इसी वक्त क्षण देखा कि वर्धमान के आंखों से आंसू, वर्धमान के आंखों में आंसू। तृष्णा बड़ी बदहवास हो गई, ये क्या, तेरे आंखों में आंसू क्यों, तुझे क्या कष्ट है? वर्धमान ने कहा माँ आप जब इन कोमल कोमल नन्ही नन्ही दुबों पर चलती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरी पीठ पर चल रही हो, बड़ी पीड़ा होती है। देखो ना आपके पैरों के निशान मेरे पीठ पर उभर आए। तृष्णा एकदम हड़बड़ा कर वर्धमान की शर्ट को उठाई, देखा कि पीठ पर वर्धमान के पाँव के निशान बने थे। ये भगवान की संवेदनशीलता का उदाहरण है। यह आपको काल्पनिक लग सकती है लेकिन ये यथार्थ है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति संवेदना होती है उसके अंदर ऐसी ही प्रतिक्रिया उभरती है। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के गुणों में एक गुण है अनुकंपा। उसका लक्षण बताया है कि पर की पीड़ा को देखकर चित्त में कंपन होना अनुकंपा है। अनुकंपनम अनुकंपा, कष्ट तुम्हें हो दर्द मुझे हो तब अनुकंपा है। कोई पीड़ित पानी देखे और मन में कपकपी आए तो समझना तुम्हारे अंदर अनुकंपा है, करुणा है, दया है। वर्धमान महावीर के जीवन का ये प्रसंग हमें यही बताता है। उनकी संवेदना इतनी व्यापक हो गई कि उनका प्राणी मात्र के साथ एकात्म का संबंध जुड़ गया। वे सर्वभूतात्म भावना को साकार कर बैठे और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही बात गीता में भी लिखी, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जो सबको अपने समान देखता है चाहे सुख हो या दुख, हे अर्जुन वही परम योगी है। भगवान महावीर तो महायोगी थे, उनका वही संदेश है कि अपने अंदर वह करुणा की धार बहनी चाहिए। मैं आप सबसे भगवान महावीर के जीवन काल की ही बात कर रहा था। उनके काल में एक काल सौकरिक नाम का कसाई था। प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करना उसके नित्य का क्रम बना हुआ था। उसका इकलौता बेटा था सुलस, वो बड़ा दयालु था। काल सौकरिक रोज उसे अपने हिंसा का दर्शन बताता, अपने कुल धर्म की दुहाई देता और अपने व्यापार के उसूल बताता। लेकिन सुलस का इससे विपरीत ही प्रभाव पड़ता। उसे जितना जितना हिंसा के लिए उकसाया जाता उसका मन उतना ही अधिक करुणाशील होता जाता। पता नहीं कौवे के घर में ये हंस कैसे पैदा हो गया।
कहते हैं काल सौकरी अपने बेटे को समझाते समझाते मर गया, पर बेटा उसकी बात समझने को तैयार नहीं हुआ। काल सौकरी के मरणोपरांत उसकी 13वीं के दिन उसके सारे परिजन इकट्ठे हुए और उससे कहा, भैया तुझे और दिन जो करना हो सो करना, लेकिन आज तो तुम्हें कुल धर्म का रस्म निभाना ही पड़ेगा और आज तो तुम्हें तलवार चलानी ही पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर काल सौकरी के हाथ में तलवार पकड़ाई। काल सौकरी के सामने एक और उसके परिजन थे, दूसरी ओर सामने बंधा हुआ भैंसा जो उसकी ओर कातर निगाहों से देख रहा था। सुलस के एक और उनके परिजन थे, दूसरी तरफ भैंसा। सुलस की ओर वो भैंसा कातर निगाहों से देख रहा था। सुलस ने तलवार हाथ में लिया और कहा, ठीक, यदि तलवार चलाना मेरे कुल धर्म के लिए अनिवार्य ही है तो लो मैं तलवार चलाता हूं। और उसने तलवार उठाई और अपने पैर पर ही प्रहार करने के लिए उत्सुक हो गया। जैसे ही लोगों ने देखा, लपक कर उसे पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो, अभी थोड़ी सी चूक हो जाती तो जीवन भर के लिए अपंग बन जाते। सुलस ने कहा, बस मैं यही तो कहना चाहता हूं, अंतर क्या है मुझ में और इन भैंसे जैसे अन्य प्राणियों में? अंतर केवल इतना है कि ये बेजुबान है पर बेजान तो नहीं। मैं और मेरे जैसे प्राणी अपने हृदय की वेदना को शब्दों में प्रकट कर सकते हैं, ये प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे प्राण मेरे अंदर है वैसे ही प्राण इस प्राणी के भीतर भी है, अंतर क्या है? उसने तलवार उठा के फेंक दी। जीवन पर्यंत उस व्यक्ति ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। ये है संवेदना का चरम रूप। सन 1997 में इंडिया टुडे के एक अंक में, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का अंक होगा, एक स्टोरी, कवर स्टोरी छपी। मुंबई के एक कसाई ने, जो कसाई था उसके हृदय में करुणा जगी, अपने कसाई पने का धंधा बंद किया, कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और पूरी तरह अहिंसक हो गया और उस समय तक हजारों पशुओं के प्राण उसने बचाए थे। ये इंडिया टुडे में छपा था, नाम मैं भूल रहा हूँ। ये किस बात का परिणाम है? उससे जब पूछा गया तो उसने केवल यही कहा कि मैंने प्राण और प्राणी का मूल्य समझ लिया। पिछले साल एक क्लिप पूरे देश में घूमी, बकरीद का समय था, घर में पलने वाले मुर्गे और बकरे का हलाल किया जाना था। घर का प्रमुख जब उनको हलाल करने जा रहा था, घर के दो बच्चे आगे आ गए कि मुझे हलाल कर लो पर इन्हें हलाल नहीं करने दूंगा। अंततः बच्चों की उस संवेदना से उसका हृदय पसीजा और उसने अपना निर्णय बदला। हृदय तो हर प्राणी के भीतर है, जगने की भर देर है। तो गुरुदेव कहते हैं, पर की पीड़ा से, पर पीड़ा से अपनी करुणा
की परीक्षा होती। देखो कितनी करुणा है तुम्हारे अंदर, दूसरों की पीड़ा देखकर तुम्हारे हृदय की प्रतिक्रिया क्या है। मेरे पास कई चित्र हैं, कुछ मैंने प्रत्यक्ष भी देखा। एक गौशाला में देखा, किशनगढ़ की गौशाला में मैं गया, एक गाय चार बछड़ों को दूध पिलाती थी, उसमें उसका एक भी बछड़ा नहीं, और तीन पैर वाली थी, एक पैर भी टूटा हुआ था। लेकिन जिन बछड़ों की माएँ नहीं है सब आके पीती। आपके यहाँ भी एक दो गाय ऐसा बताते हैं जो और बछड़ों को दूध पिलाती। एक चित्र मैंने देखा, बकरी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही बकरी मर गई, उसका मेमना था। मालिक उसे शीशी से दूध पिला रहा था, बोतल से दूध पिला रहा था। एक कुतिया ने देखा और कुतिया आकर उस मेमने के सामने लेट गई, वो मेमना कुतिया का दूध पीने लगा और ऐसा लंबे समय तक चला। रोज सुबह शाम उसको कुतिया समय पर आती, अपना दूध पिलाती और चले जाती। ये संवेदना। मैंने एक चित्र देखा, गायें सुअर के बच्चों को दूध पिला रही है। एक सूकरी बच्चों को जन्म देकर मर गई, उसके लिए गाय आए और लेट जाए और सुअर के बच्चे उसका दूध पिए। ये संवेदना है। परस्पर भिन्न जाति के प्राणी एक दूसरे के काम आ रहे हैं, एक दूसरे को दूध पिला रहे हैं। आज तो देवरानी जेठानी में ही आपस में तनातनी है। अगर सगी देवरानी का बच्चों को दूध पिलाने की बात हो तो मुंह फेर ले। कहाँ है संवेदना? मुझे तो ऐसा लगता है कि कलयुग में मनुष्यों की मनुष्यता खिसक कर पशुओं में जा रही है और पशुओं की पशुता मनुष्यों में हावी होते जा रही है। ये बहुत सोचनीय बात है। एक चित्र देखा मैंने, एक तेंदुआ शिकार करता है एक बंदर का, बंदरिया का, उसी शिकार के क्रम में उसका बच्चा जन्म ले लेता है। वो तेंदुआ अपने शिकार को छोड़कर उस बच्चे को पालता है। देखा ना आप लोगों ने, ये सब क्या है? यही करुणा है, यही संवेदना है। अपने आप को वहां खड़े करके देखो कि मैं कहां हूं। हम पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को तो खूब करते हैं, पर दया और करुणा के क्षेत्र में कहां है? हमें ये देखना चाहिए। और दया और करुणा के क्षेत्र में बहुत अगर हो गया तो गौशालाओं को थोड़ा बहुत दान दे दिया, अपने आप को कृतार्थ समझ लिए। कई लोगों को तो दान देने में भी तकलीफ होती। अरे भाई, ये करुणा का तीर्थ है। यहां आकर कुछ आनंद भी लो, कभी कभी गायों के बीच आओ, उनसे अपनी निकटता बढ़ाओ, उन्हें प्यार से सहलाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ, और कोई बीमार आदि दिखे तो उनकी सेवा करो। बहुत सारे लोग हैं, आपके कटनी में भी हैं, और देश में बहुत सारे लोग हैं जो इनकी पूरी सेवा करते, घर छोड़कर जाते हैं, परिचर्या करते, मरहम पट्टी करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। लेबल क्या है? देखिए, गुरुदेव की करुणा का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कितनी गहरी संवेदना है उनके मन में।
अभी नेमावर से बिहार हुआ, सतवास में थे, जबलपुर के कुछ लोग आए और दिसंबर महीने की बात है, उन्होंने बताया महाराज जी इस बार एक विचित्र प्रकार के कीड़े आए हैं। वे कीड़े जिस खेत में लग जाए रात भर में पूरी फसल साफ। वो कीड़े कैसे, जो दिन में तो जमीन के अंदर 3 से 4 इंच नीचे चले जाए और रात में अपना काम करते थे। और दो तरह के कीड़े थे, एक फसल को खाने वाले, फल को खाने वाले, और दूसरे पेड़ को खाने वाले, सफाचट। और कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि ये पूरे के पूरे खेत खाली हो गए। कोई खास नाम था, आप लोगों को याद होगा, जबलपुर में उसके साइड में उसका बड़ा प्रकोप था, जबलपुर सैपरा साइड। हाँ, टिड्डी नहीं, टिड्डी दल तो ऊपर आके बैठता है, वो जमीन में उत्पन्न होता था, जमीन में नीचे घुस जाए। हाँ, इली इली टाइप का था, अच्छा नाम बताया था, कुछ नाम भूल रहा हूँ। अब ये घटना लोगों ने बताई, हम लोगों ने भी सुनी, सुन करके थोड़ी सी चिंता प्रकट कर दी, हल्का सा दुख प्रकट हो गया। इतने में हम लोग सीमित हो गए। पर शाम के समय जब गुरुदेव के पास हम लोग गए आचार्य भक्ति के बाद, उनके चरणों में थोड़ी देर बैठते थे, देखा गुरुदेव एकदम गंभीर विषण मुख उदास दिख रहे। अब जब वो गंभीर हो जाए तो किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं। काफी देर बाद पूछा, गुरुदेव क्या बात हो गई, आज हम लोगों से कुछ गलती हो गई क्या? कोई गलती नहीं, मैं सोच रहा हूं कि लोगों का क्या होगा, कैसे लोगों का जीवन आगे चलेगा, ये कैसा कलयुग आ गया। स्वयं के लिए कितनी भी बड़ी वेदनाओं, उफ नहीं, बताए तक नहीं। ये घटना देख के मुझे लगा कि वाकई में ये ऐसे महान संत है जिनके हृदय में दर्शन विशुद्धि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जगत के कल्याण की जितनी प्रबल भावना उनके अंदर है, आज किसी संत में देखने को नहीं मिलती। इसी कल्याण की भावना से उत्प्रेरित होकर के ही तो वो हम लोगों को इस तरह के कार्य करने का उपदेश देते हैं। मैं देख के रह गया, उनका चेहरा अभी भी मेरे आंखों के आगे झूल रहा है। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, हर कोई नहीं समझ सकता। और एक बात बताऊं, आचार्य विद्यासागर को केवल वही समझ सकता है जो उनके निकट रहा है, और जो एक बार निकट रह गया, जिनके ऊपर उनकी छाप पड़ गई, वो कहीं इधर उधर देख भी नहीं सकता। वो इस धरा की श्रेष्ठतम विभूति है, क्योंकि उनके अंदर वे सारे गुण समाहित है। ये संवेदना अपने हृदय में भी जागृत होनी चाहिए। दया करुणा के क्षेत्र में सदैव उत्साहित होना चाहिए। आज का दिन बहुत सारे लोगों ने उपवास किया होगा, भावना तो आप भाई सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने भावनाएं भाई, शांति धाराएं की, उन आत्माओं को शांति मिले, क्योंकि देश में धर्म निरपेक्ष है, हम किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन अपनी भावना को तो हम किसी न किसी रूप में पुष्ट और प्रकट कर ही सकते हैं। वो दृष्टि अपने अंदर जगनी चाहिए। ये जग गया, सब कुछ हो गया, औरों के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। और संत इसे ही कहते हैं, संत इसे ही कहते हैं। कहा गया संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। तुलसीदास जी ने कहा, किसी ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास ने कहा ठीक नहीं है बात, हम नहीं मानते, संतों का हृदय नवनीत के समान नहीं होता।
संतों का हृदय नवनीत के समान नहीं होता तो कैसा होता? तो उन्होंने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहे ही कभी पर कह नहीं जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है ऐसा कविगण कहते पर कवि लोग कहना नहीं जानते। संतों का हृदय नवनीत जैसा नहीं होता। बोले कैसा होता है? कि निज परिताप दहे नवनीता, पर परताप हु संत पुनीता। नवनीत तब पिघलता है जब उस पर आँच आती है, संत तब पिघलते हैं जब औरों पर आँच आती है। औरों पर आँच आए, तुम संत ना हो एक सज्जन तो हो। इतना संकल्प लो कि मैं जीवन में कभी औरों पर आँच नहीं आने दूंगा, और किसी पर आँच आई तो अपनी शक्ति और मर्यादा के अनुरूप जितना बन सकेगा उसे छाया देने का प्रयास करूंगा। भावना तो भाई सकते हैं, तो पर की पीड़ा से, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। आप लोग गीत गाते हो, विमल जी बड़े मधुर स्वरों में गाते हैं, पाना वाना नहीं है जीवन को बदलना है साधना, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, वाना नहीं है जीवन को बदलना है साधना। अपने अंदर ये परिवर्तन हो, संवेदना होगी तो सहानुभूति होगी। जिनके प्रति संवेदना होती है उनके प्रति सहानुभूति के भाव होते हैं। एक लेवल तक सहानुभूति, लेकिन जब संवेदना चरम पर चली जाती है तो समानुभूति। जो तुम्हें दर्द है वो दर्द मुझे महसूस हो, और जिनके साथ हमारी संवेदना गहरी होती है, एक को दर्द होता है दूसरे को भी दर्द महसूस होता है। मैं दो जुड़ एक जुड़वा भाई की बात करता हूँ, दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम, एक का सिर दुखे दूसरे का दुखने लगता है। ये संवेदना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो संवेदना ना हो, संवेदना हो, सहानुभूति हो, समानुभूति हो या ना हो, कम से कम सहानुभूति तो रखें। आजकल तो लोग सहानुभूति नहीं रखते, किसी की जख्म देखकर उसमें मरहम लगाने की जगह नमक और छिड़क देते। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को सार्थक दिशा दें। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती, ये भाव रखें। आज ये बड़ी त्रासदी है, आप सब भी अपनी शक्ति अनुसार कुछ त्याग करें, भावना भाए, सारे जग के प्राणी सुखी रहे। मैंने तो आज का उपवास रखा है, आप लोग अपने हिसाब से जो त्याग कर सको करो, और जगत के हर प्राणी के कल्याण की भावना रखो तो वो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो रहा है, हम आज जाप 9 बार करेंगे और यहीं पर विराम देंगे। ओम ह्रीं अर्हं सिपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ॐ 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 ह्रीं अर्हं सिपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमो 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 नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।